दोस्तों 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका दुनिया का फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ हर तरफ बर्फ का राज है और जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल में 200 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो भारत के कंपैरिजन में 6 गुना कम है। और यही नहीं, इस कॉन्टिनेंट पर 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से हवाएं चलती है और ये 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड पर पहुंच जाती है। अब इन सभी फैक्टर्स को सुनने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि ये जगह हम इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब जरा इसे देखिए, गूगल अर्थ से ली गई अंटार्कटिका की इस फोटोग्राफ में हमें जमीन पर पिरामिड के शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट का मानना है कि अंटार्कटिका में रहने वाली एंशियंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबूत है। दोस्तों आज से करीब 500 साल पहले, जब गूगल अर्थ जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब ऑटोमैन एम्पायर के कार्टोग्राफर पीरी रेइस ने दुनिया का एक मैप बनाया था। अब इस मैप का पूरा हिस्सा तो आज नहीं है, पर जो हिस्सा एग्जिस्ट करता है उसमें हमें यूरोप का वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ब्राजील और अंटार्कटिका का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि अंटार्कटिका की खोज तो साल 1820 में हुई थी, तो आखिर 16th सेंचुरी के मैप में ये कहां से आया? पीरी रेइस ने अपनी राइटिंग्स में इस मैप का सोर्स क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं को बताया है। साथ में उन्होंने इसके लिए पोर्टुगीज द्वारा लूटे गए 10 अरेबिक और 4 इंडियन मैप्स को भी श्रेय दिया है। तो सवाल है कि क्या सच में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे किसी समय इंसान रहा करते थे, और क्या आज भी बर्फ की उस चादर के नीचे जीवन पनप रहा है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर अंटार्कटिका के नीचे क्या छिपा है। दोस्तों अब जरा लाइफ साइंस पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल पर नजर डालिए। इसके अनुसार वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में एक एंशियंट रेन फॉरेस्ट होने के सबूत मिले हैं। आज से करीब 9 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में अंटार्कटिका के वेस्टर्न पार्ट में एक रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। उस समय इसका टेम्परेचर इतना कम नहीं था, बल्कि करीब 35 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे फॉसिल्स, प्लांट रूट्स, पॉलन और स्पोर्स मिले हैं। उस समय यहाँ पर रेनफॉल भी आज से कहीं ज्यादा हुआ करती थी, और यही कारण है कि अंटार्कटिका उस समय एक हरा भरा कॉन्टिनेंट हुआ करता था। इसकी कंडीशंस कुछ कुछ आज के न्यूजीलैंड की तरह थी, पर आज इससे ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज इस कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर -35 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और पोलर नाइट्स में यहाँ 4 महीने तक सनलाइट का नामो निशान नहीं मिलता। अब दोस्तों जरा बीबीसी के इस आर्टिकल को देखिए। साल 1985 में अंटार्कटिका के साउथ शेटलैंड आइलैंड के यामाना बीच पर एक औरत का स्कल यानी कि खोपड़ी मिली थी। रिसर्च में यह सामने आया कि यह औरत सदर्न चिले की थी। इसकी मौत 1819 से 1825 के बीच हुई थी, और मौत के समय ये करीब 20 से 25 साल की रही होगी। मतलब इसकी मौत लगभग उसी समय हुई होगी जब अंटार्कटिका पर पहली बार इंसानों ने कदम रखे थे। अब वैज्ञानिकों को यह स्कल यहाँ सील पकड़ने के लिए आने वाले लोगों के कैंप लगाने की जगह के पास मिला था, पर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें अंटार्कटिका में किसी औरत को ले जाने या उसकी मौत होने की बात लिखी हो। अब ये स्कल तो कुछ 200 साल ही पुराना था, पर अगर अंटार्कटिका में एक समय ह्यूमन सिविलाइजेशन रहती थी तो हमें यहाँ से और भी कई स्केलेटन्स और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए, है कि नहीं? वेल दोस्तों, स्मिथसोनियन मैगजीन के इस रिपोर्ट में साल 2015 में तिबेतन प्लेट्यू में हुए रिसर्च वर्क के बारे में बताया गया है। इस दौरान वहां से एक आइस शीट लाई गई थी। जब वायरोलॉजिस्ट ने इस आइस शीट को एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें 33 टाइप्स के वायरसेस मौजूद थे। ये उस आइस में पिछले 15,000 सालों से भी ज्यादा समय से यूं ही जमे हुए थे, और इनमें से 28 टाइप के वायरसेस के बारे में तो हमें पहले पता ही नहीं था। मतलब हमें इन वायरसेस के एग्जिस्टेंस का कोई भी आइडिया नहीं था। इस आइस शीट के हर लेयर में नए नए वायरसेस थे, और उनके अंदर एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट और डेंजरस एबिलिटीज छिपी हुई थी। अब जरा सोचिए कि आइस की एक छोटी सी शीट में इतना कुछ राज छिपा हो सकता है, तो अंटार्कटिका में 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली बर्फ की चादर के नीचे क्या कुछ राज हमें मिल सकता है? अब ये सब कुछ सुनने के बाद आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हमें आज तक इन जीवों के बारे में क्यों नहीं पता था। लेकिन सोचने वाली असल बात तो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार पिघलती आइस शीट्स इन वायरसेस को एक्सपोज करती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं जब इनमें से कोई वायरस एक नए पैंडेमिक को जन्म दे सकता है।
अब दोस्तों जब बात पैंडेमिक की हो रही है तो मैं आपको साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू की याद दिलाना चाहूंगा। इस पैंडेमिक ने उस समय की दुनिया के 50 करोड़ लोगों को अफेक्ट किया था और इनमें से 2 से 5 करोड़ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। साल 2005 में अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स को साइबेरिया के बर्फ के नीचे एक डेड बॉडी मिली थी। ये बॉडी करीब 75 साल पुरानी थी। जब रिसर्चर्स ने इस बॉडी की जांच की तो उन्हें इसमें H5N1 इन्फ्लुएंजा सबटाइप ए वायरस मिला। ये उसी वायरस का वेरिएंट था जिसने स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी को जन्म दिया था। जब उन्होंने लैब में इस वायरस को फिर से एक्टिव किया तो उसने तेजी से इंसानी शरीर में फैलने की एबिलिटी शो की, जो कि हमारे लिए काफी डेडली है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर ये वायरस एक बार फिर से दुनिया में फैल जाए तो। वेल, अब आप कहोगे कि भाई कहां अंटार्कटिका से तुम साइबेरिया पहुंच गए हो और हमें डराने लगे हो। वेल दोस्तों, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे भी बैक्टीरिया और वायरसेस की लाखों अननोन स्पीसीज छिपी हो सकती है, लेकिन बात है उन छिपे हुए वायरसेस के बाहर निकलने का। दोस्तों साल 2007 में वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के बीकन और म्यूलिंस वैली के ग्लेशियर्स में 80 लाख साल पुराना एक बैक्टीरिया मिला था जो बर्फ के ऊपर आते ही जिंदा हो गया। लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब इनमें से कोई डेडली वायरस सरफेस पर आ जाएगा और किसी न किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देगा। अब ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होगा और एक नए पैंडेमिक का जन्म हो जाएगा। अब दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस से ऊपर उठकर बात करें तो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे हमें क्रस्टेशियंस, कोलोसल स्क्विड, लेगी स्पाइडर्स, जायंट वॉर्म्स और आइस फिश जैसे जीव भी मिल चुके हैं। इन जीवों में एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए गए हैं जिसके कारण ये अंटार्कटिका की ठंडी कंडीशंस में तो सर्वाइव कर लेते हैं पर वार्म वाटर्स में नहीं रह सकते। दोस्तों अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको हमने बहुत ही कम एक्सप्लोर किया हुआ है और यहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस भी ना के बराबर है। दुनिया भर से रिसर्चर्स की टीम साल के केवल कुछ ही महीने पर यहाँ पर आती है। अब दोस्तों जरा इंडिया टाइम के इस आर्टिकल पर नजर डालिए। साल 2021 में वॉरिंग नाम के गूगल अर्थ यूजर ने दावा किया था कि उसने अंटार्कटिका के एक हर्ट शेप ब्रेक के बीच एक 30 मीटर डायमीटर वाला UFO देखा है। जी हाँ दोस्तों, उसने अंटार्कटिका में क्रैश्ड UFO देखने का दावा किया है। अब उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स आप स्क्रीन पर लिखे हुए देख सकते हैं और मैं ये कोऑर्डिनेट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप चाहे तो खुद इसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सच में क्रैश्ड UFO है? वेल, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि अंटार्कटिका के इस एरिया में पहुंच पाना काफी कठिन है और जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ हेलीकॉप्टर्स भी काफी स्मॉल डिस्टेंसेस तक ही उड़ सकते हैं और एरोप्लेन्स तो यहाँ जा ही नहीं सकते। कुछ वैज्ञानिक इसे कोई एंशियंट इम्पैक्ट क्रेटर मानते हैं जो बर्फ की चादर के कारण चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि क्रैश्ड UFO का दावा करने वाला इंसान वॉरिंग भी ट्रस्टेबल नहीं है। वह ऐसे कई दावे पहले भी कर चुका है। कुछ सालों पहले उसने मार्स पर इंसान की हड्डी जैसा कोई स्ट्रक्चर देखने का दावा भी किया था और इस दावे के बाद उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से उसे नासा का हेड बनाने की रिक्वेस्ट भी की थी। मतलब यार क्या ही बचको दी है। तो अब सवाल यह आता है कि क्या अंटार्कटिका में मिले वो पिरामिड्स भी महज झूठे दावे हैं? वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स अंटार्कटिका के एल्सवर्थ माउंटेन रेंजेस में मिले हैं। वैज्ञानिकों की माने तो ये माउंटेन रेंजेस करीब 50 करोड़ साल पुरानी है और ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें इस फोटो में दिख रहा है वो भी एक माउंटेन है जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 6 गुना छोटी बताई जा रही है। वैज्ञानिक ऐसा दावा कर रहे हैं कि यह अनयूजुअल शेप का माउंटेन कई सौ सालों के एरोजन के कारण बना था। मतलब सिर्फ इसके शेप के कारण हम इसे पिरामिड समझ रहे हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के इस आइडिया को ऑकम्स रेजर कहते हैं जिसमें हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं पर हमें उस चीज के किसी एक एस्पेक्ट को देखकर इंस्टेंटली किसी और ही चीज की याद आ जाती है और हमारा आलसी दिमाग उसे ही सच मानकर बैठ जाता है और बेवजह के अजम्पशंस क्रिएट करने लगता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सच में एक पिरामिड है या फिर केवल हमारी आंखों का धोखा? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियो से देना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।